हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डीएवी गुरु। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का टाइटल है फैब्रिक एंड फाइबर। अभी तक मैंने आपके क्लास के लिए जितने सारे वीडियोस बनाए हैं सभी को मैंने सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रखा है। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना, वहाँ पर आपको वीडियोज़ को सर्च करने में और उसको देखने में आसानी होगी। एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। डीएवी स्कूल के ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है उल के बारे में, इसका क्या क्या यूसेज है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उल बनता कैसे है, फ्लीस क्या होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद सिल्क को कैसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम सिल्क वर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम लोग सबसे अंतिम में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में यहाँ पे बताया गया है, इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स इन आवर डेली लाइफ। हमने क्लास 6 में भी क्लोथ्स के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि कपड़ा हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड बट ऑल्सो मेक अस लुक नाइस एंड डिसेंट। ये बस हमें हीट और कोल्ड से ही नहीं बचाता है, ये हमें अच्छा दिखने में भी हेल्प करता है। वी ऑल्सो हैव लर्न डैट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स। हमने वहाँ पर यह भी पढ़ा था कि जो कपड़े होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके के फाइबर्स से बने होते हैं। दिस फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमें प्लांट्स से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। वी ऑल्सो यूज सिंथेटिक फाइबर्स डेट आर मैन मेड एंड आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। और एक और टाइप का फाइबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड फाइबर, और इसको फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है केमिकल्स को यूज़ करके। एक्टिविटी नंबर 1 में हमें बोला गया है कि हमें कुछ फाइबर्स कलेक्ट करने हैं जो कि प्लांट से बने होते हैं और उसके बाद जो कि एनिमल से बने होते हैं। तो प्लांट से बने फाइबर्स कौन कौन होते हैं, एक तो जूट होता है, एक कॉटन होता है और तीसरा लिनन होता है। और एनिमल से बना हुआ फाइबर कौन होता है, एक तो उल और दूसरा है सिल्क। इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है एनिमल फाइबर्स, यानी कि ऐसे फाइबर्स जो कि एनिमल से हमें मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है। स्टार्टिंग में लिखा है लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम एनिमल फाइबर्स डैट वी ऑफन यूज़। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। उल एंड सिल्क आर टू वेल नोन एनिमल फाइबर्स। और दो एनिमल फाइबर्स का नाम यहाँ पे दिया गया है, एक उल यानी कि ऊन और दूसरा है सिल्क, ये दोनों हमें एनिमल से ही मिलता है। पहला यहाँ पे सब हेडिंग है उल, इसमें हम लोग ऊन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये हमें मिलता है। यहाँ पे लिखा है उल इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द बॉडी कोट। बॉडी कोट यानी कि ऊपर वाला लेयर जो एनिमल्स का होता है उसको हम लोग बॉडी कोट बोलेंगे। बॉडी कोट ऑफ सम एनिमल्स डैट हैव फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू देयर स्किन। उनके स्किन से सटा हुआ कुछ हेयर्स होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत पतला होता है। दिस बॉडी कोट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर इज़ कॉल्ड फ्लीस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ फ्लीस, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिफाइन करने के लिए लिखना पड़ेगा। वी गेट द फ्लीस ऑफ द एनिमल लाइक शिप गोट कैमल एंड याक। हम लोग बहुत सारे एनिमल से फ्लीस प्राप्त करते हैं, और फ्लीस हमें किन किन एनिमल से मिलता है, शिप से, गोट से, कैमल और याक से। फॉर मेकिंग उल फाइबर्स एंड उलन क्लोथ्स। और इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, उल फाइबर यानी कि ऊन बनाते हैं और हम लोग उलन क्लोथ्स भी डायरेक्टली उससे बना लेते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है ऑल दो उल इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ मेनी एनिमल्स शिप उल इज़ मोस्ट कॉमनली अवेलेबल उल। बहुत सारे एनिमल से ऊन मिलता है, हमें ऊन मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो ऊन यूज़ किया जाता है ना, वो शिप से ही मिलने वाला ऊन होता है। वी ऑल्सो ऑफन हियर नेम्स ऑफ अदर वेराइटीज़ ऑफ ऊल लाइक अंगोरा, पश्मीना, सहतूत एट्सेट्रा। यहाँ पे कुछ दूसरे वेराइटीज़ ऑफ ऊल के भी नाम दिए गए हैं जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे डू यू नो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है इन इंडिया द ब्रीडिंग ऑफ शिप फॉर ऊल इज़ डन मेनली इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात, यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जहाँ के जहाँ पे शिप को पाला जाता है ऊन निकालने के लिए। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मेनली हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे ऊन निकालने के लिए शिप को पाला जाता है, तो आपको इन सभी स्टेट्स के नाम जो जो यहाँ पे मेंशन है उनके नाम लिखने पड़ेंगे। आगे लिखा है दीज शिप्स आर फेड ऑन ग्रास, लीव्स, पल्सेस, कॉर्न एंड वाइल्ड केक्स। और शिप को खिलाया क्या क्या जाता है वो सब यहाँ पे दिया है। घास खिलाया जाता है, पत्ते खिलाए जाते हैं, पल्सेस यानी कि दाल खिलाए जाते हैं, कॉर्न यानी कि मकई खिलाया जाता है एंड वाइल्ड केक्स यानी कि खल्ली खिलाया जाता है। व्हेन अ थिक कोट ऑफ हेयर और फ्लीस, जब उस एनिमल के ऊपर बहुत मोटा लेयर आ जाता है फ्लीस का, डेवलप्स ऑन देयर स्किन, इट इज़ शेव्ड ऑफ और शीयर्ड टू गेट ऊल। उसको फिर ऊपर से शेव ऑफ कर लिया जाता है, उसको हटा लिया जाता है और उससे फिर ऊन बनाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है मेकिंग ऊल फ्रॉम फ्लीस, यानी कि फ्लीस से ऊन बनाने में कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो किया जाता है, सभी स्टेप्स के बारे में एक एक करके अब हमें पढ़ना है। यहाँ पे शुरू में लिखा है लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू ऊल। फ्लीस से ऊल बनाने में यानी कि ऊन बनाने में कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है वो अब हम यहाँ पे जानेंगे। दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, शीयरिंग। शीयरिंग का मतलब होता है शेव कर लेना, जैसे कि यहाँ पे शीयर कर रहा है। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है द फ्लीस ऑफ शिप एलॉन्ग विथ अ वेरी थिन लेयर ऑफ डेड स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। शीयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, एनिमल के बॉडी से जैसे कि शिप का अगर हम लोग ऊल निकाल रहे हैं, फ्लीस निकाल रहे हैं, तो शिप के बॉडी से एक पतला लेयर ऑफ डेड स्किन के साथ सभी फ्लीस को निकाला जाता है, शेव ऑफ कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस के हम लोग बोलते हैं क्या, शीयरिंग। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है स्कॉरिंग। स्कॉरिंग का मतलब क्या होता है, द शीयर्ड फ्लीस कंटेन्स डर्ट एंड ग्रीस। ये जो फ्लीस होता है ना जिसको ऊपर से शेव ऑफ करके हटाया जाता है, इसमें बहुत सारा गंदगी होता है। इट इज़ क्लीन्ड बाय वॉशिंग विथ डिटर्जेंट एंड हॉट वाटर इन लार्ज टैंक्स। और इसको साफ करने के लिए डिटर्जेंट का यूज किया जाता है और इसको गर्म पानी में बड़े बड़े टैंक्स में रखकर धोया जाता है। सूटेबल मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पस। और ऐसा मैनुअली नहीं किया जाता है, बहुत सारे मशीन्स को यूज़ करके भी किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कॉरिंग। और इसी प्रोसेस को हम लोग स्कॉरिंग बोलते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से शेव ऑफ कर लिए जिसको हम लोग शीयरिंग बोले, उसके बाद उसको धो लिए जिसको हम लोग स्कॉरिंग बोले। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो शीयरिंग होता है ना, इसमें एनिमल को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाया जाता है। शीयरिंग करने में एनिमल्स को तकलीफ नहीं होती है, तो ऐसा मत समझना कि हम लोग एनिमल्स को मार के और उससे ऊन लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो ऐसा नहीं है। तीसरा जो प्रोसेस है वो है सॉर्टिंग, इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर वाले हेयर को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है सजाना या सेपरेट करना या अरेंज करना। द सॉर्टेड फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड देन ड्राइड। और उसके बाद जब सॉर्टिंग हो जाता है तो उसको फिर से स्कॉरिंग किया जाता है, यानी कि उसको फिर से धोया जाता है और फिर उसको ड्राई किया जाता है यानी कि सुखाया जाता है। सॉर्टिंग के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि सॉर्टिंग जो है ना एक बहुत ही हैजार्डस जॉब है, यानी कि बहुत ही खतरनाक जॉब है, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिकॉज द पर्सन इन्वॉल्व में गेट इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रैक्स। क्योंकि ये जो फ्लीस होता है ना, जब उसका सॉर्टिंग किया जाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और इसके और इन बैक्टीरिया का नाम क्या है, एंथ्रैक्स नाम है, विच कैन काउज फेटल डिजीज, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी दे सकता है। और इस डिजीज़ का नाम क्या है, सॉर्टर्स डिजीज़, क्योंकि ये जो होता है ना ये बीमारी होता है सॉर्टिंग करने के वक्त ही हो सकता है, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम ही रख दिया गया है सॉर्टर्स डिजीज़। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस डू यू नो को भी याद रखना। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सॉर्टर्स डिजीज़ क्या होता है, या आपसे इनडायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि सॉर्टिंग प्रोसेस के दौरान कौन सा बीमारी हो सकता है, तो आपको सॉर्टर्स डिजीज़ उसका आंसर करना पड़ेगा। अगला जो प्रोसेस यहाँ पे दिया है वो है डाइंग। डाइंग का मतलब होता है, आपको पता है, पेंट करना, जैसे हम लोग हेयर डाई करते हैं वैसे। तो यहाँ पे डाइंग के बारे में लिखा है द नेचुरल हेयर ऑफ शिप इज़ वाइट। नॉर्मली क्या होता है, शिप का हेयर वाइट होता है या ब्राउन होता है या ब्लैक होता है। द रॉ फाइबर्स आर देयर फॉर डाइड इन डिफरेंट कलर्स। और इसीलिए उसको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है, क्योंकि हम लोग जो ऊन का कपड़ा पहनते हैं वो अलग अलग कलर्स का होता है, लेकिन शिप का जो हेयर होता है वो अलग अलग कलर्स का, मल्टीपल कलर्स का नहीं होता है, इसीलिए डाइंग प्रोसेस से हम लोग उसको गुजारते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब हुआ कि जो हमारा रेशा था ना
उसको मोड़ मोड़ के धागा बना देना, तो वही प्रोसेस है स्पिनिंग। इसके बारे में लिखा है द रॉ एंड डाइड फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड, उसको ट्विस्ट किया जाता है मशीन से, हाथ से नहीं, टुगेदर टू मेक थ्रेड्स कॉल्ड यार्न, और उसको ट्विस्ट करके धागा बनाया जाता है, और उस धागा को हम लोग क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। द यार्न थ्रेड मे बी लॉन्ग और शॉर्ट इन साइज, यार्न में जो धागा होता है वो या तो बहुत लंबा हो सकता है या तो साइज में छोटा हो सकता है। द लॉन्गर थ्रेड आर यूजुअली नीटेड टू मेक स्वेटर्स मफलर्स कैप्स ग्लव्स सॉक्स एट्सेट्रा, जो लंबे धागे होते हैं उनसे ये सब चीज़ बना लिए जाते हैं, और जो छोटे धागे होते हैं ना, द शॉर्टर थ्रेड्स आर ओवन टू मेक वूलन फैब्रिक्स विच आर यूज फॉर मेकिंग कोट्स ट्राउजर्स जैकेट एंड शॉल्स, और जो छोटे धागे होते हैं उनको बुन के कपड़ा बना लिया जाता है, वूलन कपड़ा, और फिर उसको सिल के बहुत अलग अलग तरीके के वूलन क्लोथ्स फिर से बनाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने ऊन के बारे में पढ़ लिया कि ऊन हमें कैसे मिलता है, इसका हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, अब हमें पढ़ना है कि सिल्क कैसे मिलता है और सिल्क का हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। बट इसको पढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक आपके क्लास का सारा वीडियोस पहुंचता रहे। सिल्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स विच फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है जो कि मलबरी प्लांट के पत्ते को खाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, और सिल्क वर्म को जो पाला जाता है ना सिल्क प्राप्त करने के लिए, इस पालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको, कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिल्क प्लांट फाइबर है या एनिमल फाइबर है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि इट इज़ एनिमल फाइबर। क्यों? क्योंकि सिल्क जो है ना एनिमल से हमें मिलता है, ये जो सिल्क वर्म है एनिमल के कैटेगरी में हम लोग डालेंगे इसको। और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मलबरी प्लांट का पत्ता खाया सिल्क वर्म, उसके बाद ही हमें सिल्क मिला, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्लांट फाइबर बोल देंगे। लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल फाइबर बोलेंगे। आगे लिखा है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म, अलग अलग तरीके के सिल्क वर्म से हमें अलग अलग वेराइटीज़ के सिल्क मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी में पूछा भी गया है कि कौन कौन सा वेराइटी ऑफ सिल्क अवेलेबल होता है मार्केट में, वो आपको आंसर करना है। तो इसको आपके लिए छोड़ते हैं, आप गूगल पे सर्च करना, आपको सर्च करना है कि वेराइटीज़ ऑफ सिल्क, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा वेराइटी ऑफ सिल्क होता है, आप इसके आंसर में उसको लिख सकते हो। और एग्ज़ाम में भी अगर पूछा जाए तो आप उसको याद करके रखना, आप लिखना। आगे यहाँ पे लिखा है लेट अस नाउ लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ क्या होता है और इससे सिल्क कैसे मिलता है, वो अब हम यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। सिल्क हमें कैसे मिलता है उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर में हमें डिटेल में पढ़ना है। इस टॉपिक का टाइटल है ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ। यहाँ पे जो सिल्क मॉथ है ना, ये एक इंसेक्ट का नाम है। पहले हम पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद इसको फटाक से रीड कर लेंगे। यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में जो ये जो इंसेक्ट का फोटो दिखाया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्क मॉथ। और जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है ना, वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, बहुत सारे सैकड़ों हजारों अंडे देती है, और उस अंडे से निकलते हैं सिल्क वॉर्म। यहाँ पे जो फोटो है सिल्क वॉर्म, या इसको हम लोग कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। इस सिल्क वॉर्म को पाला जाता है और इसको बहुत सारे लीव्स खिलाए जाते हैं। कौन से लीव्स खिलाए जाते हैं, मलबरी प्लांट के लीव्स खिलाए जाते हैं। जब ये लीफ खाता है तो इसके बाद इसके बॉडी से एक स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड निकलता है, और वो लिक्विड जैसे हवा के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो इसके बॉडी से लिक्विड निकलता है और धीरे धीरे वो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड होते जाता है और जमा होते जाता है इसके बॉडी के बाहर, और ये कुछ इस तरीके का एक शेल बना लेता है। उसके बाद कुछ समय के बाद जब ये यंग होता है तो फिर ये इस शेल से बाहर निकल जाता है और वापस से सिल्क मॉथ बन जाता है। इसका पंख भी आ जाता है, और ये जो शेल मिला ना, इसी शेल से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। और उस सिल्क को यूज़ करके हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े बना लेते हैं। फिगर के थ्रू तो हमने समझ लिया कि सिल्क को पाने के लिए जो पहला स्टेप है, यानी कि रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, उसमें क्या होता है, यानी कि सिल्क वर्म को कैसे पाला जाता है। अब इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सिल्क मॉथ इज ए लार्ज वाइट इंसेक्ट। सिल्क मॉथ होता क्या है पहले वो बताया गया है, एक बहुत बड़ा वाइट कलर का इंसेक्ट होता है। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड ऑफ एग्स विच आर स्टोर्ड एट अ सूटेबल टेम्परेचर। ये जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो हंड्रेड ऑफ एग्स देती है, जिसको एक सूटेबल टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। दीज एग्स हैच टू प्रोड्यूस लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। और जब इसका अंडा टूटता है तो उसमें से कैटरपिलर्स निकलते हैं, और जिसको हम लोग सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। दीज लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बॉक्सेस वेयर दे फीड ऑन फ्रेश मलबरी लीव्स
फॉर 25 to 30 days। और इन लार्वा को क्या खिलाया जाता है, फ्रेश मलबरी लीव्स खिलाया जाता है 20 से 25 दिनों तक, एंड ग्रो इन साइज, और इसका साइज धीरे धीरे बढ़ते जाता है। द कैटरपिलर देन सीक्रेट्स अ लिक्विड, और उसके बाद इस कैटरपिलर के बॉडी से एक खास टाइप का लिक्विड निकलता है। दिस लिक्विड हार्डेंस ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड चेंजेस इंटू फाइन थ्रेड विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। जब इसके बॉडी से निकला हुआ लिक्विड एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है और वो एक थ्रेड बना लेता है। और क्या चीज़ से बना होता है वो थ्रेड, प्रोटीन से बना होता है। द कैटरपिलर कवर्स इट सेल्फ कम्प्लीटली विद दिस फाइन फाइबर्स, और ये जो कैटरपिलर है ना धीरे धीरे उसी फाइबर से पूरे अपने आप को कवर कर लेता है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज कुकून, और इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। द सिल्क वर्म डेवलप्स इंटू सिल्क मॉथ इन साइड द कुकून, और ये जो सिल्क वर्म है ना धीरे धीरे डेवलप होके सिल्क मॉथ बन जाता है इसी कुकून के अंदर में ही। और जब ये सिल्क मॉथ बाहर निकल जाता है कुकून से तो उस शेल से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सिल्क निकाल लेते हैं। अगला जो स्टेप है वो है रीलिंग, इसके बारे में लिखा है। द कुकून्स आर कलेक्टेड एंड एक्सपोज टू स्टीम, कुकून्स को कलेक्ट किया जाता है वो जो छोटे छोटे शेल्स होते हैं और उसको स्टीम में डाला जाता है यानी कि भाप में। द सिल्क फाइबर्स देन सेपरेट आउट फ्रॉम कुकून्स, और उसके कारण क्या होता है कि उसमें जो सिल्क का फाइबर होता है पतला पतला थ्रेड होता है वो उससे बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। अगला प्रोसेस है डाइंग, डाइंग तो आपको पता है उसको कलर करना। द सिल्क फाइबर देन डाइड इन डिफरेंट कलर्स, उसको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। और सबसे अंतिम स्टेप यहाँ पे है स्पिनिंग एंड वेविंग। द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू थ्रेड, सिल्क फाइबर से थ्रेड यानी कि धागा बना लिया जाता है, विच आर ओवन इनटू सिल्क क्लॉथ, और उस धागे से सिल्क का कपड़ा बन जाता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे अंतिम लाइन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखना। यहाँ पे बताया जा रहा है चाइना रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क के प्रोडक्शन में चाइना जो है दुनिया में नंबर वन है, सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन वहीं होता है। इंडिया के बारे में भी लिखा है, इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वाइड वेराइटीज़ ऑफ सिल्क, और इंडिया में भी अलग अलग तरीके का सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो फाइनली यहाँ तक हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी कर लिया। इस चैप्टर का जो क्विक सॉल्यूशन का वीडियो है उसको मैंने अपलोड कर दिया, जहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट में सभी क्वेश्चंस के आंसर दिखा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, जितना जल्दी हो सकेगा हम उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। अगर आपको सोशल साइंस के दूसरे चैप्टर के वीडियोस भी देखने हैं तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और इसके बाद वाले चैप्टर का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।